हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एच रोशन आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक केमिस्ट्री के छोटे से टॉपिक के साथ, जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम, रेलवे हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर ही कुछ एक दो सवाल आपसे पूछा जाएगा इस। तो इसी को ध्यान में रख करके ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो थोड़ा सा देखेंगे, केमिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में जो प्रस्तुत किया था उसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर से संबंधित चर्चा की थी कि परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, नाभिक में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर में इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पर इन सब का निर्धारण होता। अब इन्हीं सब के तथ्यों के आधार पर केमिस्ट्री में तीन चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली जो एटम के लिए यूज होता है, परमाणुओं के लिए। अलग अलग परमाणुओं में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर ये चार महत्वपूर्ण टर्म हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे इसमें से कुछ न कुछ पूछा जाए। तो पहला जो टर्म है लिखा हुआ है आइसोटोप्स, हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। तो आइसोटोप्स हिंदी में समस्थानिक, सम मतलब समान और स्थानिक मतलब स्थान, और समान स्थान आवर्त सारणी में। और हम पढ़ रहे हैं कि वर्तमान में आवर्त सारणी जो बना हुआ है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। तो जब परमाणु संख्या दो परमाणुओं का समान हो जाए लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो ऐसे दोनों परमाणुओं को आवर्त सारणी में एक ही जगह दिया जाता है और इसीलिए इसको आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। तो यहां लिखा गया है परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या असमान हो, भिन्न हो, तो ऐसे दो परमाणुओं को आपस में आइसोटोप्स कहते हैं, जिसका बहुत दैनिक जीवन में उपयोग है। कई तरह के आइसोटोप्स की चर्चा हम करेंगे आगे अगले वीडियो में, या कोई ऐसा वीडियो आएगा जहां पर इसकी चर्चा होगी वहां डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रेडियो एक्टिविटी आएगा तो उसमें यहां पर उसकी डिटेल चर्चा की जाए। जैसे यहां कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए कि कार्बन का दो एटम, एक एटम ये, एक एटम ये, दोनों का एटॉमिक नंबर 6-6 है लेकिन दोनों का मास नंबर एक का देखें 12, एक का 14। तो इन दोनों को आपस में आइसोटोप्स कहते हैं। अब यहां है एक हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तीनों एक ही तरह का एटम है, तीनों का एटॉमिक नंबर एक एक है सबका, लेकिन मास नंबर देखें एक का एक है, दूसरे का दो है, तीसरे का तीन है। अर्थात ये तीनों का एटॉमिक नंबर समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान, अर्थात ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स। अब ये तीनों का नाम है, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, इसे ट्राइटियम कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाए। इसका यूज हम पढ़ेंगे आगे कि भारी जल में होता है, जिसका सूत्र D2O है, जिसको हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाएगा कि भारी जल का निर्माण किससे होता है, तो ड्यूटेरियम से होता है। यहां पर दो है जिसमें इसको ध्यान रखना है, कार्बन 14 को, इसके द्वारा उम्र निर्धारण होता है, उम्र निर्धारण जीवाश्मों का, फॉसिल का, जिसको हम कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग मेथड अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये कार्बन डेटिंग मेथड इसी कार्बन 14 पर आधारित होता है, तो इसको ध्यान रखें। जो हमने कहा कि बहुत सारे आइसोटोप्स का हमारे लाइफ में बहुत उपयोग है और इसीलिए एग्जाम में ये पूछा जाता। इसी से रिलेटेड दो आइसोटोप यहां है, एक यूरेनियम 92 ये, लेकिन यहां इसका 235, इसका 238, जो नाभिकीय ईंधन में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के तौर पर उपयोग होता है। परमाणु बम जो बनते हैं, एटम बम, इसी यूरेनियम से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण होता है। तो ये आइसोटोप्स का मेन पॉइंट्स जो ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या समान होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा। यहां ध्यान रखना है कि जब भी आइसोटोप्स बनते हैं तो एक ही तरह के तत्वों से बनते हैं, अर्थात इसमें एलिमेंट जो होगा वो समान होगा, एक ही तरह का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना। जैसे कार्बन है तो दो कार्बन ही है, हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन ही है, यूरेनियम है तो दोनों यूरेनियम ही है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन को देखें तो कार्बन ये 6 वाला, ये भी 6 वाला, लेकिन यहां 12 या 14 है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, प्रोटॉन देखें तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, तो जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन की संख्या।
और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये छे तो ये छे, अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों में बराबर है। लेकिन यहां न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन क्या है कि इसको इसमें से घटा दें, अर्थात द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाएं तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाता है ये। तो यहां द्रव्यमान संख्या 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहां 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। तो यहां देखें कि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आइसोटोप्स में समान होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। अब इसी से दूसरा एक टर्म है आइसोबार, समभारिक कहते हैं, मतलब समान भार वाला एटम, और ये एटम नॉर्मली अलग अलग तत्वों के होते हैं। तो वैसा एटम, वैसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या असमान हो, अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो जाए सबका, तो ऐसे सभी एटम्स को आपस में आइसोबार कहते हैं, हिंदी में समभारिक कहा जाता है। जैसे यहां 3 एटम लिखा गया, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। यहां देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 19, इसका 20, परमाणु संख्या सबका अलग लेकिन सबका द्रव्यमान संख्या 40 है, और इसी की वजह से इसको संभारिक की श्रेणी में रखते हैं। अब यहां पर ध्यान दें इसके इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो यहां देखेंगे कि आर्गन में इलेक्ट्रॉन 18, पोटेशियम में 19, कैल्शियम में 20, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की बात करें तो 18, 19, 20, चूंकि जो 18 यहां एटॉमिक नंबर है, या 19 या 20 प्रोटॉन की संख्या को बताता है, और जितना प्रोटॉन होता उतना ही इलेक्ट्रॉन होता। अब इसके आधार पर न्यूट्रॉन को देखें तो इसमें से इसको घटाएं तो 22, इसमें से इसको घटाएं तो 21, और इसमें से इसको घटाएं तो 20, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल सभी एटम में समान नहीं होता। जो आइसोभार होंगे उसमें कोई भी मौलिक कण की समानता नहीं पाई जाएगी, न इलेक्ट्रॉन समान होगा, न प्रोटॉन समान होगा, और न ही न्यूट्रॉन समान होगा। तो ध्यान रखना कि आइसोबार किसको कहते हैं, तो जिसका परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो। और इस एग्जांपल को ध्यान रखें। तीसरा है आइसोटोन्स, हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, और ये भी अलग अलग तत्वों के होते हैं। तो ध्यान रखें कि यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन असमान होगा, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होगा, प्रोटॉन भी अलग अलग होगा, लेकिन हर हाल में न्यूट्रॉन जो होगा वो समान होगा। तो ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो, तो ऐसे एटम्स को आपस में आइसोटोन्स कहते हैं, हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे यहां 2 एग्जाम्पल दिया गया, एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका मास नंबर 23, इसका मास नंबर 24। अब यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11, इसमें 12, इसमें प्रोटॉन 11, इसमें 12, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉन 12 12, और यही कहा गया कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो न्यूट्रॉन कैसे समान है, तो इसको इसको घटाएं, 23 में से 11 घटाएंगे 12, 24 में से 12 घटाएंगे 12, अर्थात दोनों में न्यूट्रॉन 12 12, और इसी की वजह से इसको आइसोटोन्स की श्रेणी में रखते हैं। यहां दूसरा एग्जाम्पल है फॉस्फोरस और सल्फर। तो देखें इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका 16, इसका मास नंबर 31, इसका 32। अब इसको भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेक करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 15, यहां 16, यहां प्रोटॉन 15, यहां 16, चूंकि यहां प्रोटॉन की संख्या 15 है तो 15 एटॉमिक नंबर 15, यहां 16 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन की संख्या 16, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहां ध्यान दें कि ये 15 15, ये 16 16, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 16 है दोनों में। तो इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग, प्रोटॉन दोनों में अलग, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या, 16, क्योंकि इसको घटाएंगे 31 में से 15 तो 16, और 32 में से 16 घटाएंगे तो भी 16। तो ये दोनों एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, एक फॉस्फोरस सल्फर को और एक सोडियम और मैग्नीशियम को। और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन भले असमान हो लेकिन न्यूट्रॉन आइसोटोन्स में हर हाल में क्या होता है, समान होता, और ये भी अलग अलग एलिमेंट में देखा जाता। चौथा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एकदम कंपल्सन है ये कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भले असमान हो लेकिन हर हाल में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सिमिलर। तो वैसे सभी एटम या आयन जितने भी हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए, उन सभी को आपस में
आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। इसमें एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे यहां फ्लोराइड आयन है ये, जिसमें फ्लोरीन है ये माइनस चार्ज, तो फ्लोरीन का 9 होता है और माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहां नियॉन है एटम के रूप में तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ही। यहां सोडियम है प्लस के रूप में, इसका अपना 11 है, प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो 11 में से एक चला जाएगा, तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। अब मैग्नीशियम को देखें 12 इलेक्ट्रॉन है इसका, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है तो 12 में से 2 घटाएंगे तो इसका भी 10। एल्युमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन है अपना, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, एल्युमिनियम प्लस 3 आयन है तो 13 में से 3 घटा दें तो इसका भी 10। तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, सबका इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। और हमने कहा कि वैसा कोई भी एटम आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए, सिमिलर हो जाए, इसी को आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ये चार टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो इसको ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और एग्जाम्पल को फोकस करें। जो आपके आगामी जो भी रेलवे के एग्जाम है, ग्रुप डी या अभी जो चल रहा है एग्जाम, सब में कुछ ना कुछ सवाल आप देखेंगे उड़ाटा करके पूछा गया। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहां समाप्त करता हूं, फिर अगली वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो थैंक यू।